दोस्तों दिस इज रूपेश सिंह और अभी मैं हूँ कुमासी के पास उपवासे एरिया में। दोस्तों ये जो उपवासे टाउन है ये माइनिंग के लिए फेमस है। वी आर और विद अवर ऑल टीम मेगा वैलेंटाइन एंड सैमुअल। दोस्तों लेट मी शो यू। सो दोस्तों ये उपवासे टाउन है जिसमें हमने एंट्री की है। यहाँ से अभी हम जाएंगे माइनिंग एरिया में क्योंकि हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको गोल्ड माइनिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। उनके लिए 3 से 4 लैंड मैंने सेलेक्ट किए हैं। उनका फाइनल, उनका सर्वे, उनका स्टडी का वर्क हम कर रहे हैं जिससे एक सक्सेसफुल गोल्ड माइनिंग कंपनी स्टार्ट हो सके। दोस्तों गोल्ड माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप जम के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर आगरा सिटी से बाहर कुमासी रोड पर किस तरह से लोकल मटेरियल सेल होता है। स्मॉल स्मॉल शॉप्स बनी हुई हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, मोबाइल्स की, डिफरेंट थिंग्स की, क्लॉथ सेल हो रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम सिटी से बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं। यहाँ पॉपुलेशन भी अच्छी है, कंजप्शन भी अच्छा है दोस्तों, और ओपन मार्केट है। डॉलर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ट्रांजेक्शन और वर्क कर सकते हैं। लेट मी शो यू इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ क्योंकि किसी कंट्री का फ्यूचर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है कितना रैपिडली ग्रो हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कितने बड़े लेवल से वुड सप्लाई हो रही है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, घाना से, आइवरी कोस्ट से, बेनिन जैसी कंट्रीज से इंडिया बड़े लेवल से वुड जाती है। अभी मैं घाना में हूँ कुमासी एरिया में और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ यानी जितने भी ट्रीज हैं सप्लाई हो रहे हैं यहाँ से। यहीं जंगल है, यहाँ से फॉरेस्ट से कट होते हैं, सीधा सॉ मिल पे जाते हैं और फिर एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में। दोस्तों देख सकते हैं कैसी रोड है, टोटल जंगल, चारों तरफ बुश है। इट्स नॉट अ फॉरेस्ट दोस्तों, बट फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो आप एक ट्री देखिए दोस्तों, एक अकेला ट्री किस तरह से खड़ा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे लोग गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। और बहुत सारे लोग इंडिया में बोलते हैं कि माफिया है, माइनिंग में प्रॉब्लम है और फॉरेनर्स को काम करने नहीं दिया जाता। माय डियर ब्रदर सैमुअल, देयर इज वन क्वेश्चन ऑलवेज फ्रॉम इंडिया, पीपल सेज देयर इज माफिया एंड पीपल कांट वर्क, कैन यू टेल समथिंग? या, गाना इज अ पीसफुल कंट्री एंड वंस यू डू प्रॉपर माइनिंग द सिक्योरिटी इज बैक देयर टू सपोर्ट यू। We can protect you with national security 24 hours every day. You don't have problem. If you go and do illegal mining, then everywhere there is criminals. Criminals can come and attack you. But if you have your documents, everything, the president is there to protect you. Ghana, we need investors. If there is no investors, our gold is under the ground. We don't have any use of the gold. जैसा कि दोस्तों आपने मिस्टर सैमुअल को सुना, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एनीथिंग। इफ यू डू रॉन्ग यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, बट इफ यू स्टार्ट एनीथिंग प्रॉपर माइनिंग विद प्रॉपर पेपर वर्क, नोबडी गोइंग टू टच यू एंड यू कैन मेक मनी। एवरी कंट्री नीड इन्वेस्टर्स, घाना ऑल्सो नीड इन्वेस्टर्स। इफ यू वॉन्ट टू कम हेयर एंड स्टार्ट योर ओन प्रॉफिटेबल माइनिंग बिजनेस, दे ऑल वेलकम यू। और दोस्तों बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, घाना में हम लास्ट 7 ईयर से वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज का सेटअप कराया है, खुद हम एक्सप्लोरेशन माइनिंग में वर्क करते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप जम के पैसा बना सकते हैं। मेगा प्लीज से समथिंग अबाउट दैट सिक्योरिटी, यू आर अ वीमन, यू आर हियर, एट लीस्ट टेल, यू आर इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। Yeah, I'm in the middle of the forest and I'm the woman with the lot of men around me, but it's too secure. Ghana is too secure. Even I can tell about Africa for the women, it's too secure. You don't need to worry about the security for the women or for your investment. And we are right now at gold mining. Today is the Wednesday, so they are not working.
But we will bring you some more videos when they are working. This my friend, he will send some videos. And also, like, you can invest in gold mining, especially in Ghana, because Ghana have a lot of gold. And you can, it's a big opportunity. It's a big opportunity to all of you who want to start their mining in gold sector. We are here to support you. Our friend is here to support you. And we all together can make lot of things. And you don't need to worry about the opportunities and security. Everything is secure. Only you need to start your work. दोस्तों जैसा मेघा ने कहा, we have here lot of land ready in gold mining. We have ready with all geological reports. Lands are ready. You can start joint venture. You can start new concession. You can start with buying complete land. We will help you in these things. So can you explain me proper procedure how you start digging up to cleaning? First you and then Mr. Samuel. Please start. Yeah, only four machines. One machine come and dig any face the wall. Second machine come and transfer to the dump. Machine transfer to the washing plant. Yes. So I use the waste for gravel and sand it. Come and throw the out. Okay. It's normal. Okay. Yeah. Here is the, how the process goes on. This one is a washing plant. It's a washing plant, but it's it took the gravels, wash, and the waste go outside. And we lay blankets on the floor for the gold to be extracted. The operation is used with four excavators. One inside the pit to bring the gold, load to the dump yard, and the other one to transfer it to the washing plant. Washing plant. And the, after processing from the washing plant, another excavator is a standby one that clear of the waste out. And the washing plant here, legs come Let's go there, please go. Friends, Valentine, let you little bit up. From this place, at least we all come together. Yeah. This is the main washing plant. The gravels are dumped here, and water, this one produces water by itself. Okay. It uses this tunnel. To sucking the water from yeah, the to suck water place. From the water dump. Okay. And it rotates. Filter regularly. Yeah. When it's rotating, the gold and some small sand will come through this area. This way. You use this blanket. Can you show this? Yeah. The blanket is laid on this floor. The blankets are laid on the floor. So when it's washed up to six or five, every 4 hours, we have to stop this machine. Okay. And then we extract the gold from the blankets. Blankets. The waste always pass here. Okay. The gravel pass here. And another one excavator is here to extract the gravel and push it outside. That's the whole process. It's a very simple process. And the use of this thing is more clean, right? Yeah. These are called blankets. Naila, what do you want me? 13 gold? These are the blankets that we lay on this platform. Okay. Yeah. Samuel, can you tell something about joint venture and investment? How many lands we have? Secure lands? We have a lot of land, all very secure, documented. Some have geological reports, some have free land. If you want to come and start with your own initiative, it depends on you, the investor. Your proposal that you want. If you want joint venture, we are here to help you. If you want to start fresh on your own, you give the percentage to concession owners, you are free. And there are some concessions that are ready for mining and some are for sale. If you want to sell, buy the concession and go out straight mining on your own, establish your own, bring your own workers, you are welcome to good mining business in Ghana. Friends, jaisa ki aapne suna Mr. Samuel se, I know this guy a long time and he is not only my friend, other Indians. Mr. Satya is our friend and he knows from last 10 years. We have been friends for a long time. We have friends, other friends, Indian friends who are into cashew business. We have Indian friends who are into timber business. We have a lot of Indian friends in Kumasi and around the country. So every investor is welcome.
For security, you don't have problem. Yes, only for, you, as he said. If only you obey the rules and laws of the country, the government have a standby security to protect you. And you, or you can even bring your own security expert to Ghana. Yes. They are welcome. So, दोस्तों स्टार्ट करें प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोल्ड माइनिंग सेक्टर. वी आर हेयर टू हेल्प यू. ना केवल हम आपका इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपको माइंस दिलवाएंगे और वी विल हेल्प यू अप टू प्रोडक्शन विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सी यू सून.